हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लास सेशन ऑफ स्टैंडर्ड 7 मैथ्स। टुडे वी डू एक्सरसाइज 3.2 इन चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। द स्कोर्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 4, 12 and 20. Find the mode and median of these data. Are they same? In the previous exercise 3.1, we have to learn the find of the mean. And now in this exercise, we learn about the find to mode and median. So let's start. यहाँ पर आपको बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, स्कोर्स बच्चों के, स्टूडेंट्स जो टेस्ट में 25 मार्क का एक टेस्ट हुआ उसमें से जो स्कोर किया है उनका नंबर दिया है। इसमें आपको मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। देन आपको ये भी क्लियर करना है कि जो आंसर आ रहा है मोड एंड मीडियन आर दे सेम और डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द फाइंडिंग ऑफ द मोड एंड मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द ऑल डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। सो लेट्स स्टार्ट। इन द असेंडिंग ऑर्डर्स दे स्मॉलेस्ट डेटा 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19। इफ सम डेटा इज इफ रिपीटेड देन राइट इट रिपीटेड टाइम। मतलब कोई डेटा अगर रिपीट हो रहा है, लाइक जैसे 20 है, 24 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमको यहाँ पे 20 जो है 1, 2, 3, 4 टाइम लिखना है। फिर 23 है, 24 है, 25 भी दो टाइम रिपीट हो रहा है तो दो टाइम लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ डेटा हो रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं तो 50 डेटा होगा, तो यहाँ पर भी ये काउंट करके देखने का कि 15 डेटा ही होना चाहिए। सो फर्स्ट वी फाइंड द मीडियन। मीडियन का दो मेथड है। एक सिंपल ये मेथड है कि 15 में एज एकदम मिडल वाला जो डेटा है वो फाइंड करो। मिडल मतलब यहाँ पर इसके इस तरफ 7 डेटा, इसके इस तरफ 7 डेटा, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ जो बुक में नहीं दिया, बट आप आराम से कर सकते हैं। 15 है तो 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 15 जो भी आपका यहाँ पर डेटा नंबर ऑफ द डेटा है उसमें 1 प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये याद रखना है, ये जो 1 प्लस करना है वो ओड टाइप के डेटा में ऐड करना है, यानी ओड मतलब जैसे 15 है तो 15 ओड नंबर है तो उसमें आपको प्लस करना है। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके क्लास में इवन वाले नंबर ऑफ द इवन डेटा नहीं दिए हुए हैं। सो आपको बस एक ही लर्न करना है कि नंबर ऑफ डेटा में 1 प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 15 में 1 प्लस करेंगे 16 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 8। सो 8th ऑब्जर्वेशन नंबर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 8th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 8th नंबर का ऑब्जर्वेशन हमने क्या लिखा, 8th नंबर ऑब्जर्वेशन। सो मीडियन हमारा कितना मिला, 20। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मोड की अगर बात करें, सो मोड विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 20 जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या आ रहा है, 20। सो आपको जो जैसा कि पूछा था आर द मोड एंड मीडियन सेम, सो मोड भी 20 आ रहा है, मीडियन भी सेम 20 आ रहा है, तो मोड एंड मीडियन दोनों सेम आने की वजह से हमारा आंसर आएगा यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द रन्स स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच बाय द 11 प्लेयर्स एज द फॉलोज 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 and 15। फाइंड द मीन एंड मोड, मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। मीन्स आपको मीन भी फाइंड करना है और बाकी दो चीज़ें जो हमने ऊपर किया वो है। तो मीन में जैसा कि आप लोगों ने जानते हो कि जो भी डेटा रहता है सबको हमको क्या करना है, प्लस करना है और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करना है। हमने यहाँ पर 6, 15 ऐसे सब जो डेटा है उसको लिखा, प्लस किया, प्लस करने के पर कितना आ रहा है 429। आप लोग रफ में आराम से प्लस करके कर सकते हो, यूनिट के नीचे यूनिट लिख के, टेंस के नीचे टेंस और ऐसे 100 के नीचे 100 लिख के आप आराम से नंबर्स ऑफ द डेटा प्लस करके निकाल सकते हो। सो हमारा डेटा हमने प्लस किया और उसका सम कितना आ रहा है 429। डिवाइड करते 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का टेबल मतलब डिवाइड करना है, 11 का टेबल कितने टाइम पड़ेंगे, 42 से ज़्यादा नहीं होगा, 11 3 जा 33 और 9 रिमेनिंग बचा तो 99 हो गया और 11 9 जा 99। सो मीन हमारा कितना आया, 39 आया, तो यहाँ पर आपका मीन निकल गया। अब अगर हमको मोड और मीडियन फाइंड करना है तो अगेन
वी हैव टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर हमने करके दिखा 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, क्योंकि 15 थ्री टाइम है, ऐसे हमने किया। अब मीडियन जो मिडल ऑब्जर्वेशन अगर आप काउंट करो तो 11 है, 11 में से 11 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 का हाफ यानी 6। तो 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे काउंट करके भी लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन कितना है, 15 है। सो मीडियन कितना हो गया, 15। और 15 ही हाईएस्ट थ्री टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये थ्री टाइम रिपीट हो रहा है। तो मोड भी कितना आया, 15 आया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपको होमवर्क में करना है, 4 आपको होमवर्क में करना है, 5 नंबर का है ट्रू और फॉल्स है। हम स्टार्ट करते हैं, टेल वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा, जो मोड है वो हमेशा डेटा में से ही एक नंबर होगा, तो ये ट्रू है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेटा, तो मीन तो प्लस करके डिवाइड करते हैं इसलिए वो नहीं निकलता, इसलिए हमारा ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है मीन्स जो है बाहर से भी आ जाता है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा, ये भी ट्रू है क्योंकि मीडियन में अभी हम क्या करते हैं इसी में से देखते हैं। उसके बाद में द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 39 हैज मीन 9, तो मीन अगर बोला है तो मीन हमको फाइंड करना है। मीन हमने फाइंड किया तो फाइंड करने पे कितना आया, 64 आया, उसमें 8 का डिवाइड किया यानी नंबर ऑफ डेटा 8 था, डिवाइड किया 8 आया। अब यहाँ पर मीन पहले पता है 9 और आ कितना रहा 8, सो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सो ये एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हुई। अब हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करें तो देखो क्या लिखा है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अगर यहाँ पर आप ये बार ग्राफ देख रहे हैं और उसमें आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन सा पॉपुलर पेट होता है, तो आप ये देख सकते हो कि बार ग्राफ में सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा बार किसका है, केट का है। तो केट 10 स्टूडेंट जो है वो उसको एज ए पेट चूज करते हैं, सो केट इज़ द पॉपुलर। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ए डॉग एज ए पेट, तो डॉग कहाँ है, ये रहा। अब ये कितना है, आप देख रहे हो कि 8 तक है, तो 8 स्टूडेंट। तो ये बार ग्राफ और इस पर यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के एक्सरसाइज 3.3 के बाकी के सम और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और 3.3 के नेक्स्ट सम्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।